ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसके लिए हम मोदी सरकार को घेर रहे हैं दिल्ली में। कहाँ घेर रहे? दिल्ली में। क्योंकि मोदी जी जब आए थे, आज खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है, आज बिजली के लिए परेशान हो रहा है, जब फसल अभी बो रहे हैं, खाद अभी नहीं मिलेगी तो क्या खाद मिलेगा कब? इसके ऊपर एक बार आपको ज्ञापन पढ़ के सुना रहे हैं, बाद में मैं आपको पूरा विषय सुचारू रूप से रखूंगा, पहले आप ये ज्ञापन में क्या क्या लिखा है वो आप सुने, और कोई इधर उधर ज्यादा बात नहीं करे, चुपचाप सुने। देखो ये जो ज्ञापन पढ़ रहे हैं, और इस ज्ञापन में कोई बात छूट गई हो तो आप एक जना हाथ खड़ा करके कि इसमें एक और पॉइंट जोड़ना है। वैसे तो हमने सभी क्षेत्र को कवर करते हुए इसको लिखा गया, परंतु अगर कोई भी रह गई हो तो आप बात उस समय बता दे, ठीक है? ये ज्ञापन है भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश प्रांत चित्तौड़ सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय जी मार्फत उपखंड अधिकारी सलूम्बर जिला उदयपुर, किसानों की आम समस्याओं के निराकरण करने के संबंध में मान्यवर उपरोक्त विषय में भारतीय किसान संघ गिंगला तहसील सलूम्बर की ओर से निम्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने बाबत निवेदन है कि वर्तमान समय में क्षेत्र में फसलों की बुवाई का दौर चल रहा है, और ऐसे समय में राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली 6 घंटे की बिजली आपूर्ति में भी अघोषित कटौती करते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रति आधा घंटा में लाइट बंद कर दी जाती है, जिसका विभाग के पास कोई कारण नहीं है जिसमें सुधार कर किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के क्षेत्र के किसानों को जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए भी महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, ऐसे में उनकी फसल बर्बाद होने का डर रहता है, और जब ट्रांसफार्मर मिलता है तो संपूर्ण खर्चा भी करना पड़ता है, जो कि धरती पुत्र के साथ एक प्रकार के शोषण ही है। उक्त प्रथा को बंद करवाया जाए। नवीन कनेक्शन के समय ठेकेदार के द्वारा भी किसानों का शोषण करते हुए अनावश्यक खर्चा बताकर 12,000-15,000 रुपए तक वसूल कर लिया जाता है, जिस पर विभाग का कोई अंकुश नहीं होने से आवश्यक लूट को बंद करवाए, एक निश्चित न्यूनतम राशि तय की जाए जो किसानों के हित में हो, जो कि पूर्ण में डिमांड के साथ 1500 रुपये जोड़कर आती थी वापस लागू की जाए, और किसानों को जो केसीसी मिलती है वो किसानों की केसीसी की लिमिट कम है उसको बढ़ा करके ब्याज मुक्त किया जाए, जो अभी 3,000 के ऊपर 7% ब्याज दिया जाता है वो बिल्कुल मुक्त किया जाए, और 5,00,000 रुपए तक किसानों को दी जाए, और उसकी भी समय अवधि लंबी की जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि किसानों की समस्याओं का समाधान आवश्यक निर्देशन के साथ 15 दिवस में कराए, अन्यथा क्षेत्र के किसानों के द्वारा विरोध कर समस्या समाधान तक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की और प्रशासन की रहेगी। ये तो एक अपना ज्ञापन जो बिजली से संबंधित था वो है। दूसरा ज्ञापन है फसल में छिड़काव हेतु यूरिया खाद पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है, और लाइसेंसधारी दुकानदार सही समय पर खाद की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, और हमारी सहकार समिति सलूम्बर क्षेत्र के समस्त लेम्स के में किसानों को यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अगर सहकार समिति व लाइसेंसधारी दुकानदार यूरिया खाद को समय पर उपलब्ध तो किसानों को उचित भाव में यूरिया खाद मिल जाता है। किसान मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहा है, बाजारों में जहाँ यूरिया खाद मिल रहा है वहाँ कुछ गैर लाइसेंसधारी दुकानदार ज्यादा पैसा वसूल कर कालाबाजारी करके धरत भूमि पुत्र को कीमत से ज्यादा राशि वसूल कर लूट रहे हैं। पैसा वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। यह कि हमारे क्षेत्र सलूम्बर के फसल खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा व फसल खराबी की राशि गत वर्ष व इस वर्ष भी किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। अतः कि किसानों के कृषि यंत्रों की महंगाई को ध्यान में रखते हुए कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि बढ़ाई जाए,
और जो कृषि अनुदान है उसके साथ में कृषि उपकरण है उसके ऊपर जीएसटी लगती है 18%, वो भी उन किसान उन कृषि उपकरणों से मुक्त की जाए। श्रीमान से निवेदन है कि उक्त समस्या का समाधान 15 दिवस में कराने का और राहत प्रदान करें। इसके साथ एक तीसरी समस्या और आ रही है हमारे यहाँ पर, जो भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन करवाई गई थी हमारी जब भी जमीनों को उपयोग विषय में किसान संघ किंगला सलुम्बर तहसील की ओर से निम्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण करने बाबत निवेदन है कि वर्ष 17-18 में जमाबंदी व भू नक्शा को ऑनलाइन करते समय नक्शे में कई आरएजी नंबर गलत दर्ज किए गए थे, जिसका सुधार करने हेतु पूर्व में जन सुनवाई के दौरान 22/12/2021 को आपत्ति श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सलुम्बर को दर्ज कराई गई थी, पर आज दिनांक तक उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया जिसके तत्काल सही करवाया जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि किसानों की समस्या को समाधान अवश्य दिशा निर्देश के साथ 15 दिवस में करवाए, तथा क्षेत्र के किसानों में के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाकर समस्या समाधान तक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। ये इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हमारे ज्ञापन थे वो हमने बनाए हैं, और भी कोई समस्या हो हमारे तहसील अध्यक्ष जी किशोर सिंह जी वो आपको निर्देशित कर रहे हैं, किसमें कोई समस्या है वो आपको और बता रहे हैं। श्रीमान किशोर सिंह जी। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। आज इतने सारे किसान खुशी से इस तहसील में नहीं आए, हमारे दिन में भारी गांव के साथ में यहाँ हमको आना पड़ा है, घर बार छोड़ते हुए, खेती छोड़ते हुए, मौसम का टाइम है, बिजलियाँ नहीं मिल रही, हर आधे घंटे में कटौती में आँख मिचोली खेल रहे हैं इस अधिकारी के साथ में। हम आज तक सही और साफ व्यवहार करते आ रहे हैं, कभी हमारे किसानों ने सलुम्बर क्षेत्र से कभी एक शब्द बाहर नहीं आया, और ये लोग हमारे पूर्ण रूप से दोगला बना कर रहे हैं और मतलब किसानों को परेशान हताश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बिजली की कटौती आ रही है वो कटौती ना होकर या तो हमको स्पष्टीकरण दिया जावे कि कहां से कटौती हो रही है और क्यों कटौती हो रही है, हर आधे घंटे में कौन सी फॉल्ट हो रही है, और सवेरे 5 बजे नहीं है जयन अयन एक एक गाड़ी लेकर घर पर पे लाइन काट रहे, और लाइन जोड़ने के लिए 1100 रुपये अलग से लग रहे हैं, क्या वो 1100 रुपये कौन देगा? लाइटें नहीं आ रही है वो तो आपको पता नहीं, बिल बाकी है जो आपको सब पता है, घर घर घूमने का पता है, कौन देगा बिल आपको? किसान ने कभी कोई बिल बाकी रखा है आज तक? डरे वो किसान है, साहब आ गए बिल जमा कराओ, लेकिन किसान की बिल की कोई नहीं पूछता है। अब हमारी व्यवस्था कौन करेगा? अब आज एक नए ट्रांसफॉर्मर मिले आप जा रहे हैं, इस बिजली का नया कोई भी आप किसानों बता दो, एक भी कनेक्शन बिगड़ डिमांड भरे हुए, डिमांड तो बढ़ते ही एनफॉर्म लगता ही है, करनी पड़ेगी। आज ट्रांसफॉर्मर जल जाता है, एक किसान क्या इंतजार देखता है, वो सब ट्रांसफॉर्मर जल गया है मेरा, लिख के दो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करने जाते हैं हम, ऑनलाइन लोगों को पैसे देते हैं हम, ट्रांसफॉर्मर को उतारते हम, ट्रांसफॉर्मर को ऑफिस में पहुंचाते हम, ट्रांसफॉर्मर ले जाने के वापस गाड़ी करनी पड़ती है, फिर ले जाके लगा, और यहाँ भी 2-5 दिन जो ट्रांसफॉर्मर आपको नहीं मिलेगा, बोलेगा कितने को दो यहाँ, मेरे पास में लंबी लिस्ट पड़ी है, क्या आपको पता नहीं है कितने ट्रांसफॉर्मर है, जो पहले से डिपार्टमेंट जानता नहीं है कितने ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हमारे, इतने जल गए, 2 दिन में ट्रांसफॉर्मर चाहिए, जला हुआ ट्रांसफॉर्मर 2 दिन में अगर रिटर्न आता है तो भी किसान यहाँ से उठ के जाएंगे, और एक भी रुपया हम किसान नहीं बनेंगे, और जो भी पैसा लगता है आप रसीद काटिए, रसीदे हम पैसे जमा कराएंगे। दूसरी बात, जो अभी अपने 17-18 में नक्शा सीट टर्मिन हुई थी, आप सब किसान भाई सब इतने कोई फ्री नहीं है, तो बार बार जाके पटवारी साहब को पूछे, और पटवारी साहब हफ्ते में एक दिन मिलते हैं, क्या हर पटवार मंडल में किंगला में पटवारी कितने, एक ही पटवारी था, 5 पंचायत में वर्तमान में 2-4 आए हैं, लेकिन पहले एक ही पटवारी था, 11-12 पंचायत में एक ही पटवारी था, उसकी हफ्ते में एक महीने में एक ड्यूटी नहीं आती, आ सकती है क्या? नहीं आती है, तो कौन देखेगा? हर भाई को पता है मेरे नक्शे में कहाँ काटछाड़ हुई है, कोई नहीं जानता, मैं अकेला सिर्फ लालादोपुरा में 18 नंबर किन क्या बताया हुआ, मैं एक नहीं 18 नंबर मतलब आराजी नंबर खसरा नंबर जिनको बोलते हैं 18 नंबर 19-20 कर रखे हैं सब, आपका मेरे खाते मेरा आपका खाता नक्शा शीट में दर्शाया गया, कौन सा ऑर्डर था
मैंने 22/12/2021 को कलेक्टर एजेंट साहब को ज्ञापन दिया था, दो बार 8 नवंबर को भी दिया था, 22 दिसंबर को भी दिया था। साहब इसकी सुनवाई कीजिए, क्या आप अपील कीजिए। अरे मेरे दादा, कौन कौन जाएगा अपील करने, गलती आप करो, अपील किसान गलती आप करो, किसान अपील करे, कैसे किसान देवे, किस किस को वकील करेगा, कौन कौन जाएगा बार बार, किसान राजी नहीं करेगा। हर फेमाइश आप करते हो, तरमीन आप करते हो, मोबाइल चलाते हो, गुटखा खाते हो, उल्टा सीधा चढ़ा देते हो, उसके बजाना हम करें अपने के लिए। यहाँ वकीलात करो, वकीलों का पैसा लगाओ, किसान मरता रहेगा, कौन कौन सा पैसा लगाएगा, बिजली का लगा, रेवेन्यू का लगा, जमीन का लगा, बाल बच्चों का पाले क्या करे, वो कोई सुनवाई नहीं है किसानों की हमारी। इसलिए सुनवाई होते हुए हमें आज लिखित में मिलेगा यहाँ से आदेश, और 12 दिन में सारी प्रक्रिया कम्प्लीट नहीं हुई, हम रोड पे धरना प्रदर्शन, कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की आएगी। लिखित में दीजिए, तो हाँ काम होना चाहिए फटाफट, अभी हमें आदेश चाहिए यहाँ पे। अभी पैसा भी और कोई किसान है, मैं लक्ष्मण जी, आप बोलिए। अरे पता की जय वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। सबसे पहले तो मैं मेवल क्षेत्र के आवाज सबसे पहले तो मैं दूर दराज में गाँव आ गया, गाड़ी आने दो पीछे 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 आने दो, अरे पीछे आने दो उसको, अरे वो बाइक ले लिया गाड़ी वाला, माइक नहीं है वो नीचे हो। मेवल क्षेत्र के दूर दराज गाँवों से पधारे हुए सभी किसान भाइयों, जैसे मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ, आपके चेहरों में मुझे उदासीनता नजर आ रही है और आक्रोश भी नजर आ रहा है, और इसकी छानबीन करने पर शायद मुझे यही मालूम पड़ता है कि आपके ऊपर कोई कोई विपत्ति है, और विपत्ति बहुत सारी है। मैं एक दो का यहाँ उल्लेख करता हूँ कि 70 के दशक में हरित क्रांति के नाम पर जब देश में अधिक अन्न उपजाव के नाम पर सरकार ने भूखमरी मिटाने के लिए जब अत्यधिक कृषि क्षेत्र में उर्वरक रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया और हमारी इस भारत माता की इस भूमि को बिल्कुल बांझ और बेजान बना दिया था, तो किसानों को इसके लिए विवश होना पड़ा यूरिया और डीएपी के लिए। और आज परिणाम ये है कि अंधाधुंध औद्योगिकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं है, और उस यूरिया और डीएपी के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आए दिन अखबारों में बड़े बड़े मुख्य पृष्ठों पर ये विज्ञापन आते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इतने 132 केवी सब ग्रिड स्टेशनों का उद्घाटन, लेकिन जमीनी सतह पर वास्तविकता ये है कि जिन सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में दिन में 6 घंटे किसानों को बिजली देने का वादा किया था, 6 के बजाय 2 घंटे भी सही बिजली नहीं मिल रही है। और आजकल मीडिया में और न्यूज़पेपरों में एक शब्द प्रचलन में आ रहा है, आप में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ये रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर का सब अर्थ होता है मुफ्त खोरी, यानी कि बिजली के बिलों में आ जाती है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है और पैसा न्यूनतम आ रहा है, लेकिन जब बिजली ही नहीं मिल रही है तो फिर किसानों के पैसे आएंगे कहां से। मेरे को इसी बात पर आपत्ति है। दूसरी मुझे इस बात पर आपत्ति है कि सरकारें अखबारों में विज्ञापन निकालती है कि 30% खराबा होने पर, फसल खराबा होने पर भी किसान को उसकी जमीन के अनुपात में मुआवजा राशि खराबा राशि मिलेगी, लेकिन 30 की बजाय 0 राशि भी नहीं मिल रही है। इसलिए कई किसान भाइयों अपने को संगठित होकर के, और मैं प्रशासन के आला अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि किसान एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेगा। अभी तक न तो गवर्नमेंट ने मुआवजा दिलाया और न ही बीमा राशि दिलाई,
क्या उनको दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? बाकी कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है कि हम यहाँ पे इस टाइप से हम बैठे नहीं। अगर हम उस टाइम बैठ जाते तो हमको बीमा भी मिलता और मुआवजा भी मिलता। आज मैं झालावाड़ के किसानों की बात बताता हूँ, उनका बीमा भी तैयार हो गया और मुआवजा भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अभी अगले महीने में 8 तारीख का झालावाड़ में कार्यक्रम हुआ, जो आपने मीडिया पर और देखा होगा, 25,000 लोग सचिवालयों को घेरा था और बिगर झालावाड़ को बंद किए हुए अपने आप बंद हो गया। हमने कोई बंद नहीं करवाया, 25,000 लोग पहुंचे थे वहां। इसलिए कलेक्टर को ऊपर बात करके ये हाँ करनी पड़ी कि हम आपको बीमा भी देंगे और मुआवजा भी देंगे। वो कौन सा? अतिवृष्टि वाला, जो अभी ज्यादा बारिश हुई, हमारी फसल खराब हो गई, हमारी मक्का खराब हो गई, हमारे सोयाबीन खराब हो गई, हमारे उड़द मूंग जो भी फसल हमने बोई वो सारी खराब हो गई। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन 8 सालों में 63,000 करोड़ रुपए का मुआवजा झालावाड़ जिले के काश्तकारों के खाते में डला है। भारत कितना डला है? अगर कोई आपके गवर्नमेंट अधिकारी हो ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सचिवालय से इसका पूरा हमारा जो कृषि अधिकारी है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। 63,000 करोड़ रुपया 8 साल में झालावाड़ जिले के काश्तकारों के खाते में डला है, मुआवजा और बीमा। और हमारा उदयपुर अभी जीरो है, जीरो। किसी काश्तकार को न तो मुआवजा देना है न बीमा देना है। आज 70 सालों से किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों की विडम परिस्थिति ऐसी है कि आगे जाए तो कुआर, पीछे जाए तो बावड़ी, और उसके बाद में ये गवर्नमेंट प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। और कहीं न कहीं हमारी भी ये कमजोरी रही कि हम एकत्रित नहीं है। अगर हम एकत्रित होते और 10,000 लोग इधर यहाँ पहुंचते तो आपको बीमा भी मिलता और मुआवजा भी मिलता। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपके यहाँ पर पटवारियों के संगठन, एक पटवारी को ऊंची आवाज में बात करके देख लो, पूरे राजस्थान के पटवारी हड़ताल पे चले जाएंगे, चाहे किसानों का कितना अर्जेंट काम हो सब छोड़ देंगे। उनको 50,000 रुपए, 60,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद भी वो टाइम से अपनी नौकरी नहीं कर रहे, क्योंकि उनके संगठन मजबूत है। आज आप देख लो, वकील बैठे हुए हैं तो इनका संगठन, किराना मर्चेंट है तो उनका संगठन, इधर आपके गोल्ड मार्केट में उनका संगठन, इलेक्ट्रॉनिक्स में संगठन, हर एक छोटे छोटे समूह का संगठन बना हुआ है। और जो कि हम 80% लोग भारत में किसान खेत गांवों में विराजते हैं और उसके बाद में हमारा संगठन मजबूत नहीं है, और संगठन मजबूत नहीं होने से ये भेड़िए जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हो, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो किसी भी पार्टी की हो, वो सिर्फ किसानों का शोषण कर रहे हैं, वो किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ किसानों के, किसान अगर खड़ा हो गया अपने पैरों पर, किसान अगर खड़ा हो गया तो उनकी राजनीति अपनी पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। इसलिए हमारे संगठन ने एक नारा दिया है, हर किसान हमारा नेता हो। इस नारे का मतलब है हमारा हर किसान जागरूक होगा, किसान जब जागरूक होगा तभी हमारा भला होगा, बाकी ये राजनेता कोई भला करने वाले नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं, जब वोट का टाइम आता है तो सारी पार्टियां, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी वोट के लिए आपके दरवाजे पे आएगी, आएगी ना? आएगी जरूर। और आप क्या करोगे? चारपाई लगाओगे, फिर उनको खाट पे बिठाओगे, उसके बाद साफा बंधवाओगे, उनका मीठा मुंह करोगे, उसके बाद हमारे बुजुर्गों के वो आशीर्वाद लेंगे और बुजुर्ग लोग से कहेंगे कि आप हमारे माई बाप हैं। क्या है? माई बाप। आप हमारे माई बाप हैं, आशीर्वाद दे दो। और हमारे भोले बुजुर्ग कहते हैं जाओ आशीर्वाद दे दिया तो वो जीत गए, और जीतने के बाद में आशीर्वाद लेने आए क्या आपके पास में? नहीं आए ना?
तो जब जीतने के बाद भी तो उनको आशीर्वाद लेने आना था। आज अतिवृष्टि से पूरे उदयपुर में 70% नुकसान हुआ है, फसलों का 70% नुकसान हुआ। किसी नेता ने आके किसी गांव में बैठक ली का आपको मुआवजा मिलना चाहिए, आपको बीमा मिलना चाहिए, किसी भी लीडर ने आपको बोला क्या किसी गांव में, मेरे को बता दीजिए? नहीं बोला अभी तक, नहीं बोला ना। आज झालावाड़ के अंदर जैसे अतिवृष्टि हुई, भारतीय किसान संघ ने 25,000 लोग जाके मिनी सचिवालय को झालावाड़ में घेरा, तो सारी की सारी मांगे मान ली गई। इसलिए कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं है? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। हम किसानों का हमारे खुद के सहयोग के लिए, हमारे खुद के काम के लिए भी हम खड़े नहीं हो रहे, और हमको खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमको फायदा लेना है, अगर हमारे को इन नेता लोगों के चुंगल से निकल, आजकल रिलायंस का नाम बहुत ज्यादा है, क्या ये बताइए कि इतने जो पूंजीपति लोग हैं क्या सोने के बिस्किट खाएंगे क्या? उनको दो टाइम की रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारा अन्नदाता किसान जो भगवान है एक तरह से, जो हमको नहीं, हिंदुस्तान को नहीं, 27 देशों को रोजी थे, उनको बोला हमने भंडार खोल दिए, ले जाओ। 27 देशों को रोटी खिला रहे हैं। वो किसान की दुर्दशा, हमारे किसानों की दुर्दशा, जिनकी हमारे टैक्स से आज जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने, और उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट चुप्पी साधी हुई है। मैं पूछता हूं कि पूरे उदयपुर में जब इतना खराबा हुआ, जब झालावाड़ में मुआवजा मिल सकता है, बीमा मिल सकता है, तो उदयपुर में बीमा क्यों नहीं दिलाया इन्होंने? इन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दिलाया? जब हमारी 70% जब फसल खराब हो गई तो गवर्नमेंट की नींद नहीं खुली, ये एसी में बैठ करके रिपोर्ट भेज दी किसानों का 30% खराबा। तुमने जाके कभी खेत में देखा क्या? तुम कभी एसी से उठ के बाहर गए क्या? एसडीएम साहब, कभी गांवों का दौरा किया क्या कि किसान कितनी मजबूरी में है, किसान कितना परेशान है, उसके बारे में इनको पता नहीं है? इनके तो 8 घंटे पूरे हुए, इनको तनख्वाह महीने से मिलनी है, और किसानों से कोई लेना देना इनको नहीं है। और अगर किसानों का भला सोचती है गवर्नमेंट, मैं बता दूं, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, झालावाड़ जिले को 44 जगह से बंद किया था, और वसुंधरा जी ने कहा था हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद में पूरे झालावाड़ जिले को 44 जगह से बंद किया, 2 घंटे के लिए पूरा व्हील जाम, जो वाहन दे रहे, उसके बाद 2 घंटे बाद उसका फोन आता है कि हम आपके प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो वो शक्ति होती है किसानों में। किसान तो प्रधान मुख्यमंत्री की कुर्सी हिला दे, प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला दे, किसान वो चीज है। वो भी मैं आपको बताता हूं, हमारे ये क्रेडिट कार्ड से हमारे 2,000 रुपए महीने 3 महीने में डालने से हमारा सक्सेसफुल हम नहीं हो सकते हैं। हमारे को ये आप टोकन कटवा रहे हो ना, 1900 रुपए में गेहूं बिकवा रहे हो ना, ये हमको नहीं चाहिए। हमको तो सिर्फ लागत के आधार कार्य मूल्य चाहिए। अब आप पूछोगे कि वो क्या बला है, किसी को मालूम है क्या? नहीं है। मैं बताता हूं आपको, भारतीय किसान संघ गवर्नमेंट की सर्वे है, ये भारतीय किसान संघ की सर्वे नहीं है। गवर्नमेंट ने एक समिति डिसाइड की थी कि भाई ये के पैसे जोड़ दिए, और उसके बाद में आपने 3 महीने तक गेहूं को पिलाया, वो पैसे जोड़ दिए, फिर आपने कटिंग करवाए गेहूं को, वो पैसे जोड़ दिए, उसके बाद में जब आपने थ्रेशर में निकलवाए, वो पैसे जोड़ दिए, उसके बाद में आपने गेहूं खेत से लेकर के घर पहुंचाया, चाहे आपका ट्रैक्टर होगा तब भी डीजल लगा होगा, चाहे आपने भाड़े से लगवाया तब भी डीजल लगा होगा, उसके पैसे जोड़ लिए, फिर 3 महीने तक अपनी मोटरें चली,
उसका बिजली का बिल वो भी जोड़ लिया, फिर वो अनाज जो आपने घर पे डाला और आपके टोकन कटे या मंडी खुली और आपने ट्रैक्टर भरवा करके मंडी में खाली करवाया, उसके पैसे जोड़ लिए। तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 5200 रुपए क्विंटल की रेट काश्तकार को मिले गेहूं की, कितनी मिले? 5200 रुपए। उसके बाद में 40% बोनस, तो 5200 रुपए तो हमारे गेहूं के हो गए और 40% बोनस हो गया, तो आप सोच लो कितने पैसे हो गए, जोड़ के बताओ जरा। 7000 रुपए हो गया। तो 7000 रुपए क्विंटल गेहूं बिकेंगे काश्तकार के, तो जाके किसानों का भला होगा, बाकी किसानों का भला होने वाला नहीं है। और ये किसी को मालूम नहीं है, हम तो सो रहे आराम से, हमारे नफा नुकसान हमको किसी तरह से कोई मालूम नहीं है, देश में क्या चल रहा है वो भी हमको मालूम नहीं है, हम तो हमारे सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज, ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण गेहूं का दिया है, गेहूं नहीं, उसमें सोयाबीन आ गई, उड़द आ गए, मूंग आ गए, मक्का आ गई, ये टोटल अपनी फसल जो खेत में बोते हैं हम, उनका टोटल सर्वे है। जैसे ये गेहूं का मैंने एक आपको उदाहरण बताया, ऐसे ही हर फसल का जो पैसा है निर्धारित वो मिले, उसके बाद 40% बोनस मिले काश्तकार को, न तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत है और न किसानों के कोई ऋण की जरूरत है और न ही गवर्नमेंट से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। क्या है क्या ये बताओ आप मेरे को? नहीं, नहीं है ना। ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसके लिए हम मोदी सरकार को घेर रहे हैं दिल्ली में। कहाँ घेर रहे? दिल्ली में। क्योंकि मोदी जी जब आए थे, कहाँ आए थे? प्रधानमंत्री के जब चुनाव लड़ रहे थे वो, तो उन्होंने ये कहा था कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। यह उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मिलना चाहिए। तो हम सब लोग 5 लाख लोग ये याद दिलाने जा रहे हैं कि साहब मोदी साहब आपने वादा किया था तो आप भूल गए, पर हम नहीं भूले, हम आपको याद दिलाने के लिए दिल्ली आए हैं। अब आप अगर कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो संगठन आगे रणनीति बनाएगा और जिले लेवल के ऊपर आंदोलन होंगे। साफ संकेत में बोलने जा रहे हम, और एक दो नहीं 5 लाख लोग, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने कह दिया माइक नहीं चलेगा, अपनी तो आवाज ही माइक है, इसलिए कोई टेंशन पालने की जरूरत। बोला था कि संपूर्ण कर्जा माफ होगा, संपूर्ण कर्जा, फिर रात को गए और नेता लोगों ने कहा कि ये क्या बोल दिया आपने, संपूर्ण कर्जे में तो राजस्थान बिक जाएगा। तो फिर बोले क्या करना चाहिए, 1 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बताओ, उन्होंने एक वादा और किया था, अगर 10 दिन में मुख्यमंत्री ने 10 अपना जो 2 लाख कर्जा माफ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा, क्या वो किया क्या? नहीं, अभी तो वो चाह रहे हटाने का, तो ही नहीं हट रहे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भूलो मत, ये दिल में रखो, ये हमारे दर्द है, हमारी पीड़ा है। कल सुना कि आप आंदोलन कर रहे हैं, मैं कल झालावाड़ से रवाना हुआ, जो यहां से 300 किलोमीटर है उदयपुर से, और अगर ये भी जोड़ लिया जाए तो 370 किलोमीटर। पर मेरे ये दर्द था कि नहीं, हमारा किसानों का भला हो, हमारे कैसे भी किसानों का सुधार हो, और ये जो गवर्नमेंट जो शोषण कर रही है काश्तकारों का, हमारे किसानों का, वो शोषण बंद हो। और वो बंद कब होगा? वो बंद कब होगा कि आप जागरूक होंगे तब हर किसान हमारा नेता बनेगा। क्या बात ठीक है ना? ये ठीक है तो ये पूर्ति करेंगे, और शाम की टाइम में अगर उसमें कटौती हुई तो शाम का फीडर पे, और रात में कोई बिजली नहीं। पर हमारे काश्तकार झालावाड़ के इतने कलाकार हैं कि सिंगल फेज की मोटरें उतार दी और ट्रांसफार्मर को शॉर्ट किया और धड़ल्ले से पूरी रात भर मोटरें चल रही है।
रात और दिन बंदी नहीं हो रही है कि उनके पास जमीनें इतनी है कि वो अगर दिन रात नहीं चलावे तो वो जमीने की कीमत कैसे होगी। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा 8,000 से लेके 18,000 तक तो हमको मुआवजा मिलता है। वो क्या मिलता है, हमारी फसल खराब हो जाए तो तुरंत SDM कलेक्टर आदेश देता है और सर्वे होता है और उसका हमको 18,000 तक मुआवजा मिलता है और बीमा मिलता है कि आपकी प्रीमियम कितनी कटी। अभी आपके सोसाइटी से बीमा तो सब कट गया, अच्छा बीमा कटा के नहीं कटा, कटा। आपको कभी बीमा मिला क्या? नहीं, नहीं मिला ना। ये भ्रष्ट अधिकारी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बीमा कंपनी से मिले हुए ही है ये, ठेठ से ठेठ तक चोरवाड़ा है ये और काला बाजारी, एक किसानों का खून पी रहे हैं ये, पैसा किसान जमा कर रहा है और मजे कौन ले रहे हैं, वो बीमा कंपनी। बीमा कंपनी के साथ साथ अधिकारी की भी सेटिंग है सबकी, कि तुम चुपचाप रहो, इनको कुछ मत दो, थोड़ा तुम्हारे मुंह में, थोड़ा तुम्हारे मुंह में और थोड़ा ऊपर वाले मुंह में और उसके बाद हमारा सब कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगर तहसील में रजिस्ट्री करवाने जाते हो तो 2% चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, ईमानदारी से बोलना। सही बात है। क्यों 2% उनके बाप ने रखा क्या? 2% किस चीज के लिए है बताओ, उनको तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तनख्वाह मिलती कि नहीं मिलती है? तो फिर 2% किस लिए? अगर ट्रांसफार्मर चेंज होता है तो 1500 रुपए पहले जमा करो लाइनमैन के हाथ में, दो वो 7 तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर चेंज होगा। और हमारे अगर ट्रांसफार्मर झालावाड़ जिले में खराब होता है तो 48 घंटे में ट्रांसफार्मर उतार करके वापस चढ़ाएंगे। मैं अगर काश्तकार अपनी ट्रॉली में लेके आया वहां से तो उनको 250 रुपए मिलते हैं, वो कैश नहीं मिलते, वो आपको 250 रुपए बिल में जोड़ दिए जाएंगे। कितने रुपए? आपके जो ट्रैक्टर में डीजल लगा उसके 250 रुपए गवर्नमेंट देती है। क्या आप कभी लाए? आपको कभी मिला क्या है बताइए? क्योंकि आपको सामने देना पड़ता है। ये आइए शांति शांति बनाए रखें। एक बार ये बोलेंगे भारत माता की जय, आप ये बोलो तो ये किसकी जेब में जा रहे हैं वो 250 रुपए डायरेक्ट? 250 रुपए की बात तो छोड़ो, ये ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर पे जो पैसे ले रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर आपका नंबर है और दूसरे का नंबर लगा दिया, 5,000 ले रहे हैं, 15,000 ले रहे हैं, तो वो पैसा किसके जा रहा है? अधिकारियों की जेब में। और ये किसान जागरूक नहीं होने की वजह से आज ये पैसा हमको भुगतना पड़ रहा है। अगर किसान जागरूक होता हमको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। देखा झालावाड़ जिले में कोई पैसा लेके देख ले, मैं बता दूं आपको, कई बैंक मैनेजर सस्पेंड हो गए, कई INJN सस्पेंड हो गए, सुधर गए सब लोग, क्योंकि वहां काश्तकार जागरूक हो गए, सालों ने पैसे दिए और पकड़वाए भी सही, सब बैंक में लगा दिए। ऐसे ही आप तहसील में आते हो 2% मांगते हैं, ले भाई ऊपर सेटिंग रखो। अध्यक्ष जी हैं किशोर सिंह जी, इनको बोलो उस टीम को बुलावे, इधर पैसे दिए और उधर पकड़वा दो, सब घर भेजो इनको। एक को घर भेज दिया आपने तो सब देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और जिसमें उदयपुर में अपनी ये जो उदयपुर से ये बेल्ट है इसमें इतनी समस्या है और काश्तकारों का इतना शोषण कर रहे हैं ये गवर्नमेंट कर्मचारी, जिनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सोचा उसके पहले तो छापा डल गया, उसके बाद कोंट्रोल ऑफ हिम निकली, कोंट्रोल ऑफ हिम आप घर पे 1 किलो नहीं रख सकते हो, और उसके बाद में कोंट्रोल ऑफ हिम निकली और करोड़ों रुपए निकले उनके अकाउंट में, करोड़ों रुपए निकले और आप जेल में सड़ रहे हैं अभी। किसानों का पैसा इतना आसान से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसानों का पैसा अगर है ना, कोई अगर बर्दाश्त करेगा तो ईमानदारी का पैसा होगा, वो ही कर सकता है। बाकी किसानों का जो पैसे खा रहे हैं उनकी हालत खराब है। हमारे कृषि मंडी में एक सचिव है जो किसानों से 1 किलो माल ज्यादा तुलवा करके पैसे लेता था, उनके 2 औलाद है, 2 ही पागल है। क्या काम कैसे बताओ, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए उसने, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और आज वो रोड पे खड़ा है, हाथ जोड़ रहा है, भाई साहब क्या करें। तो ऐसा मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, ऐसा मत करो,
अगर ऐसा करोगे तो ये भगवान तुमको माफ नहीं करेगा। किसानों की खून पसीने की कमाई है, ये क्या है, खून पसीने की कमाई है। गर्मी तपती धूप में खेत हकवाता है, तपती धूप में, ठंड कड़ाके की ठंड उसमें फसल कटवाता है, फसल का कार्य करता है, उसके बाद में अपना कोई पैसा खा जाए तो बहुत दर्द होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। फिर और ये अधिकारी जो है ना उस पे तुले हुए हैं, अगर इन अधिकारियों को जरा सा भी दर्द होता तो हमको बीमा भी मिलता और मुआवजा भी मिलता, जो कि इस एरिए में 70% फसल खराब हो चुकी है। अच्छा, फसल खराब हुई कि नहीं हुई है? डूब गई है, डूब गई है पानी। क्या इनकी आंखें बंद थी क्या? क्या इनकी आंखें नहीं थी क्या? जो इन्होंने सर्वे क्यों नहीं करवाया? जब हमने ज्ञापन दिया तो ज्ञापन देने के बाद में सर्वे क्यों नहीं हुआ? हमको मुआवजा और बीमा क्यों नहीं दिलाया? ये सब किसान, ये जो अफसर बैठे हैं ना, ये इनकी सेटिंग वाले हैं, सब रिकमेंड से आए हुए हैं, ये किसान के बेटे नहीं है। अगर किसान के बेटे होते तो किसान की तरफ नजर जाती और ये कहते कि नहीं, किसानों का भला करो, बाकी ये भला करने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी बोला ना, माइक बंद कर दो। हमारे कलेक्ट्री में झालावाड़ में, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, कलेक्ट्री के बाहर अंदर माइक जाएगा और सारे काश्तकार कलेक्ट्री के जो मेन ऑफिस है उससे बाहर जो बिल्कुल चौकान है उसमें बैठेंगे, वहाँ माइक चलेगा और 25,000 लोग, और कलेक्टर साहब कहेंगे तीन तीन बार वार्ता चलती है, जब तक लोग बैठे रहते हैं कभी माइक बंद नहीं हुआ। जो कि एसपी वहाँ खुद बैठता है, डीवाई एसपी वहाँ बैठता है, कलेक्टर वहाँ बैठता है, बाकी कभी माइक बंद नहीं हुआ। और एक जरा सी ये तहसील है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है आज, अगर ये थी चार गुणी संख्या होती तो क्या मना मजा ले जो माइक बंद कर दे, और अगली बार दिखाएंगे इनको, माइक यही आएगा, माइक यही आएगा और यही बोलेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चुकेंगे नहीं। अब तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर एसडीएम साहब को फुर्सत हो तो अपने 5 लोग अन्य यादव आगे रहने जाते रहते हैं, बहुत आते हैं, इसमें क्या तकलीफ है? अपनी बात तो पूरी होगी जब है ना, नहीं आएंगे ना साहब? आएंगे, अभी आएंगे, एसडीएम साहब आ रहे हैं। खाली ज्ञापन लेने से काम नहीं चलेगा, आप कोई उठ के यहाँ से जाओगे नहीं, चाय दाल बाटी यही बनेगी। हमारे बिजली का समाधान नहीं हो जाता, हमारी टाइम से अगर कटौती होती है तो उतना टाइम बढ़ाएंगे वो, ठीक है, ठीक है ना? ये तो ये होना चाहिए। और हमारे खाद कब मिल रहा है? जब हम फसल बो देंगे, क्या कटाई करेंगे, जब खाद बीज मिलेगा क्या हमको? उन दोनों पे हमको चाहिए अभी तुरंत। नहीं नहीं अभी बिजली विभाग नीचे बैठे रहे, बैठे जो बैठे रहे, अरे जैसे आप बैठे।